दर्शकों, रोजाना की तरह आज हम फिर से हाजिर हैं आपके सामने हेल्थ से जुड़ी समस्याओं का समाधान बताने के लिए। जी हाँ, आज की इस खास रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं एक बेहद खतरनाक बीमारी के बारे में, जो कि है वायरस। जी हाँ, आपको बता दें कि वायरस कई तरीके का होता है, लेकिन आज हम बात करने जा रहे हैं निपा वायरस के बारे में, जो कि बेहद ही खतरनाक है और दिन ब दिन फैलता ही जा रहा है। बता दें आपको कि ये बीमारी बहुत ही ज्यादा जानलेवा हो सकती है। जी हाँ, आपको बता दें कि निपा एक ऐसा वायरस है जो जानवर से इंसान में फैल जाता है। इस वायरस का फैलना फ्रूट बाइट है, यानी कि ऐसे चमगादड़ जो फल खाते हैं और इन फलों में अपनी लार को छोड़ देते हैं, जिससे कि फल संक्रमित हो जाता है और ऐसे फलों को कोई जानवर या इंसान खा ले तो वो भी इस वायरस की चपेट में आ जाता है। बता दें आपको कि चमगादड़ों को फैक्स बाइट के नाम से भी जाना जाता है। वेल फ्रेंड्स, फिलहाल तो ये वायरस दिन ब दिन फैलता हुआ जा रहा है। बता दें आपको कि साल 2017 में भी इस वायरस से जुड़ी कई केस हुए थे, वहीं साल 2019 में भी एक और ऐसा मामला सामने आ गया। वहीं आपको बता दें कि जब ये वायरस हो जाता है तो इससे बचना मुश्किल होता है और ऐसे में लोग अपनी जान से भी हाथ धो बैठते हैं। वहीं आज हम आपको बताने जा रहे हैं निपा वायरस के बारे में। दरअसल निपा वायरस का इतिहास साल 1988 से शुरू हुआ था। दरअसल इस वायरस की पहचान मलेशिया के गांव कैंपंग सुंगाई इलाके से हुई थी और उस वक्त दिमागी बुखार का संक्रमण तेजी से फैला हुआ था। ये बीमारी चमगादड़ से इंसान और जानवरों तक फैलती ही चली गई और ऐसी फैली कि संक्रमण फैलता चला गया। इस वायरस से फैले हुए संक्रमित लोग ज्यादातर सुअर पालन केंद्र में काम करने वाले हुआ करते थे और साल 1988 में मलेशिया में निपा वायरस के बाद साल 2001 में बांग्लादेश में भी ये वायरस फैल गया। वहां पर भी ऐसे कई मामले देखने को मिले जिसे जानने के बाद लोग भी दंग रह गए। वहीं अगर बात की जाए इस निपा वायरस की तो इसमें क्या लक्षण होते हैं जो आपको देखने को मिलते हैं। दरअसल आपको बता दें कि जब ये बीमारी लगती है तो इसमें सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, सिर दर्द होता है और सिर दर्द इतना भयानक होता है कि उसे इंसान सहन नहीं कर पाता है। दिमागी बुखार होता है और इसके साथ साथ ही बहुत तेज बुखार भी आता है। ये ऐसे चार लक्षण होते हैं जो आपको इस दौरान देखने को मिलते हैं। वहीं आपको बता दें कि ये चमगादड़ के कारण फैलती है। जी हाँ, दरअसल ऐसे चमगादड़ जो फलों को खा लेते हैं और अपनी लार को उसमें छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से निपा वायरस बहुत ही तेजी से फैलता है। वहीं इसके उपाय हैं ये कि पेड़ से गिरे हुए फलों को खाने से आपको बचना चाहिए, अपने आप को हमेशा ही साफ रखना चाहिए। वहीं खाना खाने से पहले हमेशा अपने हाथों को जरूर धोना चाहिए। बता दें आपको कि हमेशा जानवरों खास करके सुअर और चमगादड़ के संपर्क में आने से बचना चाहिए। जिन इलाकों में निपा वायरस फैला हो वहाँ जाने से भी आपको बचना चाहिए। निपा वायरस के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी अवश्य लें, इस वायरस से बचने के उपाय को हर जगह पढ़ें और लोगों को भी जागरूक करें। दरअसल ये वायरस बहुत ही खतरनाक है और इसके बारे में हर किसी को जानना बेहद ही ज़रूरी है। वहीं आपको ये भी बता दें कि चमगादड़, सुअर या फिर किसी भी जानवर के खाए फलों को खाने से बचना चाहिए। सो फ्रेंड्स, ये थे इसके लक्षण और उपाय। यदि आप इस बीमारी के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस बीमारी के बारे में जानें और हमेशा ही फिट रहें और स्वस्थ रहें। वहीं आज की इस खास रिपोर्ट में इतना ही। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी ये आप हमारे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। फिलहाल के लिए हम चलते हैं, तब तक के लिए आप देखते रहिए क्यूर एंड हेल्थ डेस्क से प्रांशी की रिपोर्ट।